हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी विद आर्ची में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग जैसे होंगे घर पर होंगे एंड सेफ होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कफ्स एंड लैशेस के हॉल। जैसा कि टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता ही चल चुका है कि वीडियो हिस्ट्रीज के बारे में है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं एंड बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, वीडियो में पहली बार आए हैं देन हाय, माय नेम इज़ अर्चना, आई मेड वीडियोज अबाउट ब्यूटी, DIY, फैशन एंड लाइफस्टाइल। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड उसके पास एक बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में मुझे ये जो है प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं, कफ्स एंड लैशेस के प्रोडक्ट्स। सो अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि कफ्स एंड लैशेस क्या है, कफ्स एंड लैशेस जो है गाइस, निधि कटियार जो एक यूट्यूबर है लाइक मी, जिनके इतने सारे फॉलोवर्स हैं और वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने एक अचीव किया है, ब्रांड है। और कफ्स एंड लैशेस में लाइक आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, लाइक 20 समथिंग इज़ वो उनका खुद का ब्रांड है, कफ्स एंड लैशेस वो उनका खुद का ब्रांड है। और इसके अलावा आपको बहुत सारे ब्रांड्स उस वेबसाइट में मिल जाएंगे। कफ्स एंड लैशेस गाय बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं एंड इनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं। तो यस, इंट्रो बहुत बड़ा हो गया, तो रब बॉक्स खराब हुआ है गाइस। वो ये है, ये कफ्स एंड लैशेस का आई शेडो पैलेट, बहुत ही अफोर्डेबल है। इसका जो प्राइस है वो 399 रुपीज़ का है, बट ये मैंने सेल के ड्यूरिंग लिया था। कफ्स एंड लैशेस में आपको बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट ऑफर मिल जाते हैं। कटियार का सिग्नेचर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये इसकी इनर पैकेजिंग है, आउटर बॉक्स जो है इस टाइप की पैकेजिंग में आपको मिल जाता है। हैव इनफ मेकअप सेड नोबडी एवर, ये आपको यहाँ पे कोटेशन मिल जाती है। पैकेजिंग वुड काइंड ऑफ इसकी पैकेजिंग है, मिरर मिल जाता है विच इज़ अगेन वेरी गुड थिंग। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो आप ऑफकोर्स इस पैलेट को ले जाओ तो आपका सारा काम बन जाने वाला है। और यहाँ पर आपको इस टाइप का शील्ड मिल जाता है और यहाँ पे आपको ये सारे, लेट मी शो यू, ये सारे शेड्स मिल जाते हैं। आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे शेड्स इसमें आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको हाइलाइटर शेड मिल जाता है, ब्लश के लिए शेड मिल जाता है, कॉन्टोरिंग के लिए मिल जाता है। इनफैक्ट आपको इसमें बहुत सारे आई लुक क्रिएट करने के लिए भी शेड मिल जाते हैं। लाइक ये दो शेड ब्लश के लिए यूज़ हो सकते हैं, ये वाला जो शेड है ये आप ब्रॉन्जिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और ये जो बाकी शेड्स है आपको आई लुक क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड दिस वन इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है, ये हाइलाइटिंग शेड है। और इसका जो स्वेच मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर मैं इसको यहाँ लगाऊँ, देखो बहुत सुंदर शेड है हाइलाइटर के लिए। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा शेड है ये। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको अप्लाई करके दिखाऊँ, बिल्कुल भी चंकी नहीं है, आप लोग देख सकते हो बहुत विद इन अ काइंड ऑफ ग्लो ये प्रोवाइड करता है। अगर ये शेड, येल्लो शेड एंड दिस ऑरेंज शेड, पिगमेंटेशन देखो गाइस, बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है। आप इसको जो है अच्छा सा कंसीलर अप्लाई करके यूज़ कर सकते हो इस पैलेट को, पिगमेंटेशन में कोई कमी नहीं है इस पैलेट में, आप लोग देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, बहुत अच्छी प्राइस पे आपको मिल जाता है ये फुल साइज़ मिरर, आपको मिल जाता है। मिरर की क्वालिटी अच्छी है, इस वक्त गंदा हुआ पड़ा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर लिया है। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने बाय किया है। जो प्रोडक्ट है वो ये है, ये है कफ्स एंड लैशेस का एनचेंटिंग पैलेट, और ये इनका रिसेंट तो नहीं, मतलब न्यू लॉन्च है इनका। और ये जो पैलेट है काफ़ी सारे इसमें शेड्स हैं, एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले ये पैलेट मुझे रिसीव हो गया था बट वही मैंने आपको सामने शेयर नहीं किया। तो ये जो पैलेट है गाइस, इसका जो प्राइस है वो 1499 रुपीज़ है, बट ये मुझे 50% ऑफ पे मिल गया था, आई गेस 750 रुपीज़ में मुझे ये मिला था। एंड बैक ऑफ द पैकेजिंग में आपको सारा एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चर वगैरह सब मिल जाता है। एंड ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है गाइस। कफ्स एंड लैशेस मैं बताना भूल गई कि कफ्स एंड लैशेस के जो प्रोडक्ट है वो मेड इन इंडिया है और पैराबेन फ्री है। और इधर आपको सारे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिल जाते हैं, अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन। और ये 39 कलर्स आई शेडो पैलेट है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, और इधर आपको कोई मिरर नहीं मिलता है, आप लोग देख सकते हो ये सिंपल कार्डबोर्ड पैकेजिंग है। और यहाँ पर आपको शील्ड मिल जाती है इस टाइप की, और ये रहे हमारे सारे शेड्स, आप लोग देख सकते हो ग्लिटरी शेड है, शिमर शेड्स हैं एंड मेटालिक शेड्स हैं, काफ़ी सारे आई लुक आप क्रिएट कर सकते हो। और पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है इस पैलेट की। अगर मैं कुछ मैट शेड्स आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखो काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है, अगर वन स्वाइप में ही कलर आ गया है। एंड ये देखो ये इसकी कलर्स की पिगमेंटेशन है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ
ये देखो ये इसकी पिगमेंटेशन है, वन स्वाइप में आपको कलर मिल जाता है। अगर आप बिल करोगे तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा पिगमेंटेशन आपको मिल जाता है। एंड एक आधा ग्लिटर शेड मैं आपको दिखा देती हूँ, प्रेस ऑन ग्लिटर्स हैं इसमें, आपको कुछ अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपका शिमर शेड मिल जाते हैं आपको, ये देखो अभी भी थोड़ा बहुत ग्लिटर हैंड्स में है। तो ये आप बिल्ड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। डेफिनेटली इस पैलेट के साथ मैं ज़रूर एक आई लुक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप ब्राइड हो, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, तो डेफिनेटली आप इस पैलेट को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे शेड्स में कलरफुल शेड्स, अर्दी टोन शेड्स आपको इस पैलेट में मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली आप इस पैलेट को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। चीज़ है वो ये है इनका ब्रश होल्डर, एंड इसमें भी काफ़ी सारे शेड्स, आई गेस काफ़ी सारी वैरायटी आपको मिल जाती है ब्रश होल्डर में। तो ये कुछ लेदर काइंड ऑफ इसकी पैकेजिंग है। 750 आई गेस या 799 रुपीज़ इसका प्राइस है, इधर यहाँ मेंशन नहीं है, बट इतने का ही है। और काफ़ी अच्छा बिग साइज़ का ब्रशेस होल्डर है। इधर आपको इस टाइप का पैकेजिंग मिल जाती है, जिससे कि आप अपना होल बंद कर सकते हो। आप चाहे तो अलग अलग से, मतलब ये दो केस को एक साथ यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको बंद करके रखना है तो डेफिनेटली आप इसको ऐसे भी बंद करके होल्ड करके रख सकते हो। मैं ना काफ़ी सारे कलर्स भी आपको मिल जाते हैं, लाइक वाइट कलर भी है इसमें आई गेस। तो आप अगर आप ब्रश होल्डर ढूंढ रहे हो कोई अच्छा, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंड इसमें ना कफ्स एंड लैशेज बाय निधि कटियार भी मेंशन है। ब्लैक इज़ वर्सेटाइल कलर, तो उसको उसमें आप कभी गलत नहीं हो सकते ब्लैक के साथ। तो मैंने ये स्पेशली ये ब्लैक कलर को इसलिए चूज़ किया कि गंदा भी नहीं होता है और ये ऑल ओवर कलर है। तो जो मेरे पास है वो अगेन, जब मैंने ब्रशेस ब्रश होल्डर मंगाया तो ब्रशेस भी मंगाना ज़रूरी था। यहाँ पर ये है मेरे पास ये ब्रशेस, आई ब्रशेस का सेट, और ये है सेट ऑफ 9। दिस इज़ कफ्स एंड लैशेज एक्स शाई स्टाइल, तो है 9 ब्रशेस का सेट। ब्रश की क्वालिटी गाइस दी बेस्ट है। पैक वगैरह के ब्रशेस देखोगे बहुत कॉस्टली होते हैं, एक एक ब्रशेस का कॉस्ट 500-600 एंड उससे अबव हो जाता है। बट यहाँ पर आपको आई गेस ये 1200 या 1400, मुझे इतना याद नहीं है, मैं यहाँ स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी कि कितने के मुझे एक्चुअल में पड़े और इनका MRP क्या है। तो ये ब्रशेस का सेट आप लोग देख सकते हो, काफ़ी सारे इसमें आपको ब्रशेस मिल जाते हैं। टोटल 9 ब्रशेस हैं ये। मैंने काफ़ी सारे प्रिसीजन ब्रश मिल जाते हैं आई लुक के लिए, आपको मतलब कट क्रीज करने के लिए ब्रशेस मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ब्रश ये है कफ्स एंड लैशेज एक्स शाई स्टाइल CS05। सो ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप ब्लेंडिंग करना चाहते हो तो बहुत अच्छी तरह से ये ब्लेंड करेगा, कलर को प्लेस भी कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम इसको जो है अपने क्रीज पर जो है आप ब्लेंड भी कर सकते हो। सो इधर मेंशन है, इसका नेम वगैरह सब मेंशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, आई होप आपको विजिबल होगा। देन नेक्स्ट ब्रश है ये कफ्स एंड लैशेज एक्स शाई स्टाइल CS09, और इधर भी मेंशन नहीं है कौन सा ब्रश है नहीं है, बट ये ऑफकोर्स ब्लेंडिंग के लिए बिग फ्लफी ब्रश है, बट थोड़ा सा स्टिफ है ये, मतलब इतना ज़्यादा फ्लफी नहीं है, थोड़ा सा स्टिफ है ये ब्रश। जो ब्रश है ये अगेन है कफ्स एंड लैशेज एक्स शाई स्टाइल CS02, ये भी ब्लेंडिंग ब्रश है। देन ये है CS01, क्रीज को कट कर सकते हो इस ब्रश से। नेक्स्ट ये है PS08, ये ना लिप आप लिप लाइनर से अप्लाई कर सकते हो, लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो इससे, आप अपना लाइनर को ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ये है CS04, और ये भी छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है, आप लोग देख सकते हो। अगला जो ब्रश है वो है CS07, एंड ये ना थोड़ा सा आप इससे जो है आउटर कॉर्नर को जो है कलर प्लेस कर सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो, लोअर लैशेस पर अपने कलर को जो है अप्लाई कर सकते हो एंड इसको ब्लेंड कर सकते हो। ब्रश है वो है कफ्स एंड लैशेस एक्स शाई स्टाइल CS03। ये जो ब्रश है अगेन ये छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है। ऐसे ब्लेंडिंग ब्रश ना गाइस बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, अगर आप पैक वगैरह में देखोगे ना तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बट कफ्स एंड लैशेज में आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में, अगर आप चाहे तो इन ब्रशेस में से ना किसी को भी सिंगल भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको पूरा सेट लेना है, ठीक है, आप जो है सिंगल भी ब्रशेस को ले सकते हो। और ये छोटा ब्लेंडिंग ब्रश आप लोग देख सकते हो। देन जो लास्ट ब्रश है वो है कफ्स एंड लैशेज एक्स शाई स्टाइल CS06, और ये भी ना ब्लेंडिंग ब्रश है, बट आप देख सकते हो ये थोड़ा सा इस टाइप से है, मतलब इतना ज़्यादा ब्लेंड, मतलब फ्लफी नहीं है, बट ये स्टिफ है, इस तरह से आप लोग देख सकते हो। इससे भी आप अपना ब्लेंडिंग कर सकते हो, बट नीचे लोअर लैशेस पर भी ब्लेंडिंग कर सकते हो, कलर को प्लेस कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं इन ब्रशेस को यूज़ कर चुकी हूँ, इनफैक्ट मैं ब्रशेस को वॉश भी कर चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आइज़ पर, ऐसा नहीं लगता है कि कुछ हार्ड्स आप जो है अप्लाई कर रहे हो, ब्रशेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये ब्रशेस मैंने पिक किए हैं, इनके फेस ब्रशेस हैं, ये कफ्स एंड लैशेस के ब्रशेस हैं,
और जो आई ब्रशेज मैंने दिखाए थे वो कर्व्स एंड लैशेज एक्स शाय स्टाइल के साथ कोलैबोरेशन किया था उन्होंने, तो वो ब्रशेज थे। और ये जो है नितिन कटियार का कर्व्स एंड लैशेज का खुद का ब्रशेज है, और इनके ना ये पूरे जो है फेस ब्रशेज आपको मिल जाएंगे, और अगर आप चाहो तो सिंगल सिंगल भी बाय कर सकते हो। तो ये जो ब्रशेज हैं इनकी क्वालिटी दी बेस्ट है, और ये कुछ इस टाइप के नेट केश में मिल जाता है जिससे कि आपका ब्रश जो है ख़राब नहीं होता आपका ब्रश का शेप। और ये जो ब्रश के ब्रिसल्स है आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसको मैंने पता नहीं मल्टीपल टाइम्स कितनी बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे खुद नहीं पता, बहुत बार मैंने वॉश किया है, यूज़ किया है, वॉश किया है, यूज़ किया है, और इसका फॉल आउट कुछ ऐसा सच मुझे लगा नहीं। ब्रशेज़ की क्वालिटी आप देख सकते हो, और इसमें फाउंडेशन अभी स्टिल लगा हुआ है, एंड जो ब्रशेज़ की जो हैंडल है ना काफ़ी अच्छा है, मतलब पकड़ने पर ना पता लगता है कि हाँ कोई महंगे ब्रशेज़ आप यूज़ कर रहे हो। और इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ही अच्छी तरीके से एप्लीकेशन होती है ना, और कई ब्रशेज़ होते हैं ना उसके जो मार्क्स होते हैं फाउंडेशन अप्लाई करने के ड्यूरिंग जो है हमारे फेस पे पैच पड़ जाते हैं, बट ये इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत अच्छा ब्रशेज़ की क्वालिटी दी बेस्ट ब्रशेज़ लगे मुझे ये। और ये है कफ्स एंड लैशेज़ का F013, आप लोग देख सकते हो। और नेक्स्ट जो ब्रश मैंने लिया है ये इनका पाउडर ब्रश है, बेसिकली दिस इज़ अ मल्टीपल तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। वैसे तो ये है इनका कफ्स एंड लैशेज F014, और ब्रशेज़ की क्वालिटी आप लोग, मैं आपको कैमरे के थ्रू बता नहीं, मतलब स्क्रीन में बता नहीं पा रही हूँ कि कितनी क्वालिटी इसकी अच्छी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये ब्रशेज। इससे जो है आप ब्लश अप्लाई कर सकते हो, इससे आप जो है हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हो, एंड इससे जो है हेयर भी अप्लाई कर सकते हो। ब्रशेज़ टोटल ब्रशेज़ मैंने लिए हैं, आप लोग देख सकते हो इस टाइप से जो है आप इस तरह से ब्रशेज को होल्ड कर सकते हो, इसको बंद भी कर सकते हो, और अगर आप चाहे तो इस टाइप से आप इन ब्रशेज़ को ऐसे रख भी सकते हो वैसे यहाँ पे। अच्छा, लास्ट जो प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं वो इनके द फेमस कवर पॉड्स हैं। कवर पॉड्स बेसिकली काफ़ी फुल कवरेज कवर पॉड्स है, और मुझे इतने अच्छे लगे ना गाइज, इतना अच्छा लगा मुझे इनको बाय करके, मतलब दी बेस्ट कवर पॉड्स हैं ये। तो जो प्राइस है वो है 299 रुपीज़। अच्छी पैकेजिंग है इसकी, इतना छोटा सा क्यूट से पैकेजिंग में आता है ये, और इधर पैकेजिंग कितनी अच्छी है आप लोग देख सकते हो। एंड ये बेसिकली ना हाइलाइटिंग पर्पस से लिया था मैंने, कंसीलिंग के लिए, और ये ना ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग है, स्किन तो वैसे भी बहुत ड्राइंग है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको फेस को मॉइस्चराइज करके फिर यूज़ करना पड़ेगा। एंड ये देखो ये इसकी पिगमेंटेशन है, और ये ब्लाइंड भी बहुत अच्छा लगता है, हो जाता है। इसमें मैंने फाउंडेशन शेड भी पिक करना है, बट अभी मैंने फ़िलहाल यही लिया है, और काफ़ी आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा ये इसकी पिगमेंटेशन है। नेक्स्ट जो शेड मैंने पिक किया है ये जो है वाइट कलर में है, ये मैंने अप्लाई किया था गाइस, दी बेस्ट, मतलब कोई आई शेडो पैलेट अगर आपको लगता है कि वो इसके पिगमेंट्स इतनी अच्छी तरह से पिक नहीं होते हैं, देन ट्राई दिस वन। ये बिल्कुल प्योर वाइट कलर में आप लोग देख सकते हो, इसका कवर पॉड का कलर वाइट शेड में, पिगमेंटेशन में आपको दिखाऊँ वो ये बहुत क्रीमी है, और आप लोग देखो ये प्योर वाइट कलर है। इसमें ना अगर आप कोई आई शेडो कलर को प्लेस करोगे ना इतना अच्छी तरह से उठ करके आएगा ना कलर, आपको मैं बता नहीं सकती, इतना बढ़िया कलर आता है। मैं डेफिनेटली इन कवर पॉट्स के साथ ज़रूर अपना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे कलर जो है पॉप होके आते हैं। ये कंसीलिंग के लिए मैंने लिया था, और ये आई शेडो बेस के लिए भी अच्छा है शेड ये, तो डेफ़िनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो देन डेफिनेटली आप ज़रूर इसको ट्राई करो, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे, आप अपने ब्राइड्स पर यूज़ कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स पर यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से पिगमेंट्स जो है उठ करके आते हैं बेसिकली। डेफिनेटली मैं और भी इनके प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहती हूँ, इनके काफ़ी सारे अभी न्यू लॉन्चेस भी हुए हैं, लाइक इनके लिप ग्लॉसेस न्यू लॉन्च हुए हैं, इनके लिपस्टिक लॉन्च हुए हैं, डेफिनेटली इन फ्यूचर मैं इनको भी ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। या दैट्स इट फॉर माई टूडेज़ वीडियो, और यही था मेरा का हॉल वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल, माय इंस्टा हैंडल इज बी विद आर्ची, सो मेक श्योर आप मुझे वहां पे भी फॉलो कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।